मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस वीडियो की टाइटल है शिक्षा मित्र के दिल की बात। तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में हम शिक्षा मित्रों पर ही चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं सरकार से इस समय शिक्षा मित्र बहुत नाराज हैं और उनकी नाराज़गी का परिणाम बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 19 महीने से नियुक्ति से दूर हैं। सरकार के द्वारा लगाए गए क्वालिफाइंग मार्क्स जो 90 और 97 है, उन्होंने ही शिक्षा मित्रों की नाराज़गी को जग जाहिर कर दिया और उसका परिणाम आपने आज तक देखा है। यह सच है कि आपकी नियुक्ति लगभग 14 फरवरी को होनी थी और आज 14 फरवरी 2019 को, और अब 2020 चल रहा है और आपको पता नहीं है कि आपकी नियुक्ति कब होगी। कहीं न कहीं शिक्षा मित्र अभी तक सफल रहे हैं। हालांकि डबल बेंच में सरकार ने जीत हासिल की, परंतु भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो उसके पहले ही शिक्षा मित्रों की ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग आधे से अधिक पदों को रिजर्व कर दिया गया और अब उस पर सुनवाई चल रही है। परंतु ऐसा क्या हुआ, एक शिक्षा मित्र क्या सोचता है, उस पर ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके पहले 68,500 शिक्षक भर्ती जब हुई थी और सरकार ने उसमें 40 और 45% का क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड किया था, तो उसमें 7,000 के कम आसपास शिक्षा मित्र सफल हुए थे। बहुत कम संख्या थी शिक्षा मित्रों की, सीटें खाली चली गईं। और उसके बाद शेष जो शिक्षा मित्र थे, उन्हें यह उम्मीद थी कि अगली भर्ती जो अंतिम चांस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 2 मौके दिए थे, तो दूसरा मौका जो मिला है उसमें वह सफल होने की कोशिश करेंगे। और सरकार ने जब 69,000 का परीक्षा का विज्ञापन जारी किया, तो सरकार ने कहीं पर भी क्वालिफाइंग मार्क नहीं बताया। अब आपका नज़रिया बदल जाएगा। अगर आप एक बीटीसी स्टूडेंट हो या बीएड स्टूडेंट हो, तो आप यह देखकर बहुत परेशान हो जाओगे। आपकी मतलब पर्सनली अगर आप अपनी दिल की बात कि हाँ क्यों परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप जानते हो कि शिक्षा मित्रों को 25% का भारांक मिला हुआ है। तो अगर आपने देखा कि क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, तो बीटीसी और बीएड के अभ्यर्थी तो बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्र बहुत खुश हो गए उस विज्ञापन को देखकर। हमने उस समय भी कई शिक्षा मित्रों से बात की थी, पहले से ही बहुत से शिक्षा मित्र टच में रहे हैं, और उनसे जब बातचीत करने पर यह अंदाज़ा लगा कि ये सिर्फ यही चाहते हैं कि कितना भी नंबर पा जाएं, इन्हें नियुक्ति मिलनी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने कोई क्वालिफाइंग मार्क डिसाइड नहीं किया था। यही सोचकर शिक्षा मित्र बहुत खुश थे। अब आप कहेंगे आज शिक्षा मित्रों की नाराज़गी बीएड से है। देखिए, शिक्षा मित्रों की नाराज़गी बीएड से नहीं थी। अगर बीएड से नाराज़गी रही होती तो वो पहले ही यूपी टेट जब देना हुआ या उसके बाद जो विज्ञापन आया उसके पहले ही वो चैलेंज कर दिए होते। उन्हें ऐसी जो उनकी मानसिकता थी, वो यही मानसिकता थी कि सरकार ने 69,000 में कोई क्वालिफाइंग मार्क लगाया नहीं है। जितना भी नंबर आएगा, चाहे वो 50 नंबर चाहे 60 नंबर, उसमें उनका भारांक सरकार जोड़ देगी और उन्हें नियुक्ति दे देगी, और बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के रहने से कोई खास नुकसान शिक्षा मित्रों का नहीं होगा। ये मानसिकता है, ये न तो विज्ञापन में लिखा था, न तो कोई और मतलब ये मानने को तैयार है कि कोई भी सामान्य सा भर्ती अभ्यर्थी 40-50 नंबर लाकर नौकरी कर ले और 120 वाला बाहर हो जाए। ये शिक्षा मित्रों के मन की सोच थी। उन्हें इसका एडवांटेज लेना था कि अरे ये सरकार ने कोई क्वालिफाइंग मार्क ही नहीं लगाया। और इसी बात को सोच सोच कर शिक्षा मित्र पढ़ाई भी ठीक से नहीं किए। उनके अंदर एक मानसिकता बन गई थी कि चलो हमारा तो आराम से हो जाएगा, सरकार ने कोई क्वालिफाइंग मार्क लगाया ही नहीं है, 50 नंबर 60 नंबर पाएंगे तो भी आराम से नौकरी कर लेंगे। और सरकार ने जो एक और चीज़ बदली, वो परीक्षा का मतलब एक प्रकार से माध्यम जो पहले लिखित था वो अब ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये चीज़ शिक्षा मित्रों को और फ़ायदे में लेकर चली गई। इससे एक बहुत बड़ा जो है जो मानसिक दबाव होता है वो ख़त्म हो गया शिक्षा मित्रों का, और वो ये समझ गए कि अब हम भारांक के सहारे नौकरी कर लेंगे। और यही कारण है कि उन्हें बीएड से भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए ना कि जब शिक्षा मित्र फंसने लगे तब वो बीएड को फंसाने लगे, यानी जब उन्हें ऐसा लगा कि अब हम बाहर हो रहे हैं, तब उन्हें ऐसा लगा कि बीएड एलिजिबल नहीं है और बीएड इस परीक्षा के
योग्य नहीं है, ये सारी चीज़ें कब आई? जब वो शिक्षा मित्र स्वयं बाहर हो गए, सिंगल बेंच में आई, जब वो सरकार ने 90-97 लगा दिया और शिक्षा मित्र बाहर हो गए, और जब परीक्षा सरकार ने करा लिया अगले दिन, जब 90-97 लग गया, तब शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ा मतलब धोखा ऐसा लगता था शिक्षा मित्रों को कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि वो फेल कर दिए गए थे। जो शिक्षा मित्र 6 जनवरी को परीक्षा देते समय यह सोच रहा है कि कोई क्वालिफाइंग मार्क नहीं है और मैं तो आराम से नौकरी पा जाऊंगा भारंग के सहारे, वो 7 जनवरी को 90 और 97 जब देखता है और अपने आप को बाहर होता हुआ पाता है, तब उसकी हालत ख़राब होती है, तब उसके सामने सारी समस्याएं आ जाती हैं। ये सोच है और हम इस वीडियो में सिर्फ उनकी सोच पर डिस्कशन कर रहे हैं। बीएड या बीटीसी का अभ्यर्थी क्या सोचकर परीक्षा दिया? हम भी एक अभ्यर्थी थे और एक अभ्यर्थी होने के नाते, बीएड अभ्यर्थी होने के नाते यही सोचा जा रहा था परीक्षा से पहले कि कम से कम कितने अंक लेकर आएँ, 130, 125, 120 पर सुरक्षित रह सकते हैं, उससे कम पर तो कोई चांस नहीं है। ये मैं नहीं, मेरे जैसा हर बीएड का अभ्यर्थी सोचता था या बीटीसी का अभ्यर्थी सोचता था। तो वही सोच में फ़र्क है, शिक्षा मित्र के सोच में और एक आम अभ्यर्थी की सोच में फ़र्क है और इसी फ़र्क के कारण समस्याएं हुई। अगर शिक्षा मित्र यह सोचता कि उसे भारांक मिले न मिले, अच्छे अंक लेकर आने हैं, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो वह पास होता। शिक्षा मित्र ने सोचा कि सरकार ने पिछली बार 40-45 लगाया था, अब कोई भी नहीं लगाया है, अब तो हम आराम से चयनित हो जाएंगे, और परीक्षा दिया, परीक्षा के अगले दिन ही सरकार ने 90-97 लगा दिया और यह देखकर शिक्षा मित्र बाहर हो गया और वजूद ही संकट में आ गया। हालांकि जितनी संख्या में पिछली बार पास हुए हैं, उतनी संख्या में अब की बार भी शिक्षा मित्र पास हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क बढ़ाया गया वो लिखित से ऑब्जेक्टिव होने के कारण बढ़ाया गया। अगर लिखित ही होता तो 40-45% सामान्य से ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब जो हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार के द्वारा क्वालिफाइंग मार्क नहीं लगाया गया, इसका एडवांटेज शिक्षा मित्र लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जितनी संख्या में हैं वो सभी के सभी नियुक्ति पा जाएँ, चाहे वो बीएड बाहर हो जाए उसकी उनके लिए, या बीटीसी अभ्यर्थी बाहर हो जाएं, बस उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। वो 35-40 हज़ार की संख्या में हैं, तो सरकार की एक गलती का रिजल्ट ये चाहते हैं कि सरकार उन सभी को नियुक्ति करे। बाकी आप देख चुके हो डबल बेंच ने क्या आदेश दिया है। हम इसी मुद्दे पर अब एक मिनट और चर्चा कर लेते हैं कि कोर्ट में अब इनका ये जो बात है कि हम ये चाहते जानते थे कि 40-45 ही रहेगा, नहीं चलने वाला, नहीं चला डबल बेंच में, आपने देखा ये होमोजीनियस क्लास में आते हैं, इस बात को भी कोर्ट ने नहीं माना। तो अंत में ये हुआ कि समय बीत गया और ये समय बीत जाने के कारण हार गए, अब डबल बेंच से भी इनको हार नसीब हुई है और इसलिए अब वे सारे ऑप्शंस यूज करने की कोशिश में हैं, जिससे या तो भर्ती प्रक्रिया हो ही ना, या हो तो इनके लिए कुछ गुंजाइश बने। डबल बेंच ने इनकी दलीलों को दरकिनार किया, सुप्रीम कोर्ट ने आधे से अधिक पदों को रिजर्व किया है, परंतु जो पहले दिन की सुनवाई हुई उस दिन भी जो अभ्यर्थियों ने बातें समझी और सुनी उसके अकॉर्डिंग कोर्ट भी मतलब इस बात को अच्छे से समझ रही है कि 90 और 97 लगाने का मतलब वेल ट्रेंड क्वालिफाइड टीचर्स देना है और 146,000 की संख्या ऑलरेडी सरकार के पास है, तो क्वालिफाइंग मार्क घटाने का कोई पर्पज, एक जाहिर सी बात है, आप किसी एक 4-5 में पढ़ने वाले बच्चे से पूछ लीजिए, जब 146,000 आपके पास ऑलरेडी पास हैं जो चयनित हैं, उसमें सभी हैं, उसमें शिक्षा मित्र, उसमें बीटीसी हैं, बीएड है, तो क्या क्वालिफाइंग मार्क घटाकर 400,000 में से 400,000 को पास कर दिया जाए? इसका उत्तर कोई भी दे सकता है। तो आप भी निश्चिंत रहें, शिक्षा मित्र की गलती यही है। इस पूरे वीडियो में हमने चर्चा किया कि शिक्षा मित्र क्या सोचते हैं, लेकिन उनकी एक गलती है कि उन्होंने यह सोच लिया कि हम बिना पढ़े और भारांग के सहारे नौकरी कर लेंगे, यही गलती है। बाकी सरकार ने जो किया उसके बाद डबल बेंच ने, सरकार के पास अपनी पावर है, नियमावली है,
अरे बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां पर हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना मार्क्स लाना है सिलेक्शन के लिए, हमें अपना बेस्ट देना होता है। रेलवे हुआ, SSC हुआ, ये सारी परीक्षाएं, इनमें तो पास फेल का कोई लोचा ही नहीं होता है, बस आपको सेलेक्ट होना है और सेलेक्ट होने के लिए अधिक से अधिक मार्क्स लेकर आने हैं। तो मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। ये थी शिक्षा मित्रों की दिल की बात। धन्यवाद।